हम लोग पहले ये कर रहे थे, दैट इज रेगुलर मेट फाउंडेशन का, वी वर हैविंग टू कॉलम्स, जनरली एक ही कॉलम था पर ओरिएंटेशन में अलग अलग था, ठीक है। नीचे एक फुटिंग थी हमारे पास 300 mm की, दीज वर दी लोडिंग्स, हमने इसको डिजाइन ड्रॉ कर दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू की एनालिसिस पार्ट पे, हमको इसको मूव करने का, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस, हां दिस वाज आवर मेन पार्ट, ओके। सो दीज वर द लोडिंग्स, दैट इज 400 500 400, दिस वर द डेड लोड्स, एंड इफ आई क्लिक नेक्स्ट इट विल बी अराउंड लाइव लोड 200 और 200 200। अभी मैंने एक्सट्रूड कर रखा है, आई विल स्विच ऑफ द एक्सट्रूड ऑप्शन, सेट डिस्प्ले ऑप्शन में जाऊंगा, एक्सट्रूड इनटू ना बंद कर दूंगा। सर क्यों बंद किया, काहे बंद किया, इसलिए बंद किया, वो डिस्टर्ब करता है थोड़ा, 3D में सही से ज्योमेट्री बनती है, ओके। सो ये तीन हमारे पास कॉलम है, वी हैव डिफाइंड एवरीथिंग, ठीक है ना, हम लोगों ने सब डिफाइन कर दिया है, ड्रॉ भी कर दिया है, इवन असाइन भी कर दिया है। इफ आई राइट क्लिक ऑन अ स्ट्रिप, स्ट्रिप पे मटेरियल डिफाइन है, फुटिंग पे राइट क्लिक करो, फुटिंग पे मटेरियल डिफाइंड है, लोड देखूंगा तो फुटिंग पे तो कोई लोड है नहीं, कॉलम्स पे हमारे लोड्स बता रहे हैं, वैसे भी हमने देखे। सो आई गो डायरेक्टली एंड हिट एनालिसिस, ओके। बट बिफोर गोइंग टू एनालिसिस आई नीड टू चेक कि मैंने जो पैटर्न है उसे डिफाइन, कॉम्बिनेशन जो है वो सही से डिफाइन कर रखे कि नहीं करेंगे। आई गो टू लोड कॉम्बिनेशन, I can see dead load or live load का जो combo है, वो define है service के लिए भी और ultimate के लिए। I'll simply go to run and then I'll click run analysis and design. तो सीधा analysis भी करी, design भी करी देते हैं लगे आप। So first of all जो window आती है वो अपने displacement की आती है dead load की। तो आप देख सकते हो जो columns हैं इधर वाले और जो हमारा इधर दूसरा वाला column है, उनके बीच में क्या है, ज्यादा displacements है। Obviously बात है column होगा तो उसके नीचे displacement ज्यादा ही होगा। तो -4.8 का something displacement, आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो values आती है maximum और minimum. ओके, दिस मिनिमम इज एक्चुअली मैक्सिमम, क्योंकि ये -5.27 है, ये इसको मिनिमम बता रहा है, पर 5.2 ये जेड डायरेक्शन में, तो दैट्स व्हाई अपने केस में माइनस माइनस हट जाएंगे और ये जो 5.2 है ये मैक्सिमम हो जाएगा। 5.2 इज मैक्सिमम, इट विल बी समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस कॉलम और जस्ट अंडर दोस कॉलम्स, ठीक है। सो यू कैन चेक द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेड लोड्स एंड आल्सो विद द लाइव लोड। लाइव लोड्स में देख सकते हो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, पर लगभग जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो पास पास में, जैसे 2.03 है यहाँ पे, यहाँ पे 2.1 है, और हम लोग मूवमेंट्स लेके चलते हैं। तो हमारे पास सामने मूवमेंट का डायग्राम होता है कि कहाँ पे कितना कितना मूवमेंट लग रहा है। कॉलम्स के जस्ट नीचे मूवमेंट कम रहेगा, उनके जस्ट पास में मूवमेंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, कॉलम के नीचे ज्यादा रहेगा, जैसे दूर जाएंगे वहां पे हमारा रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है ना। एक्ट लाइक अ कैंटिलीवर टाइप, क्योंकि सपोर्ट पे मूवमेंट ज्यादा रहेगा, दूर हम जैसे जैसे जाएंगे वहां पे हमारा कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इस एज पे हो, इट इज ऑन -3, जैसे जैसे पास में हो इट इज गेटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और कॉलम के जस्ट नीचे अराउंड इट इज 166, ठीक है। इधर 134 है, इधर 166 है, यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मूवमेंट है 166 और एक मिनिमम, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि कहाँ पे मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे आपको स्टील ज्यादा लगाना है, नहीं लगाना है, और यू आर गोइंग इन टू दिस स्ट्रेट लाइन और नॉट, आप सही जगह जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेक करने में एनालिसिस का पार्ट बहुत हेल्प करेगा। नाउ द अदर थिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज, सो नाउ दूसरी और अगर आपको चीजें देखनी है, लाइक रिएक्शन फोर्सेस देखने, तो यू कैन गो इनटू द रिएक्शन फोर्सेस, यू कैन गो इनटू द स्ट्रिप फोर्सेस, इफ आई क्लिक ऑन स्ट्रिप फोर्सेस देन वी आर हैविंग लोड कॉम्बिनेशंस। जो भी लोड देखना है, लेट्स से मूवमेंट देखना है, तो मूवमेंट देखो कौन सी लेयर में देखना है, लेट्स से सारी लेयर में देखना, अलर्ट अप्लाई, तो दिस विल बी माय मूवमेंट्स अलॉन्ग दैट डिजाइन स्ट्रिप, ठीक है। 74 कॉलम के पास में जाएंगे फिर बढ़ जाएगा, तो ये स्पेसिफिकली स्ट्रिप्स के लिए जहाँ पे स्टील डिजाइन होने वाला है। तो हम हमारे चेक देख लेते हैं सबसे पहले, तो आई गो टू डिस्प्ले देन आई क्लिक शो पंचिंग शेयर, आराम पंचिंग शेयर हमारा कहाँ जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, 1.2 जा रहा है, 1.97 जा रहा है, 1.9, मतलब ये दोनों तो सही है, पर इट इज गोइंग क्वाइट अबव देन 1, तो अबव देन 1 तो जाना नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी फुटिंग के जो विड्थ है वो बढ़ा दे, तो है ना 1.297। अब यहाँ पे हम ड्रॉप पैनल वगैरह तो लगा नहीं सकते, पर हाँ यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉप पैनल लगा के उसको ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में शो करें तो वो हो सकता है अलग से कैसे। अभी फॉर दिस टाइम आई अनलॉक द मॉडल, आई गो टू डिफाइन स्लैब प्रॉपर्टीज, आई एम 300 mm ऑफ स्लैब, जस्ट चेंज इट टू 350, ओके। थोड़ा सा 50 बढ़ा के देखता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। Press okay, I'll press okay, I'll go to run and then click run analysis and design. Okay. I'll go to display, then I'll click show punching shear. Abhi bhi thoda sa baki hai. Theek hai. I'll lock karte hain. Add it. Har project mein aapko alag alag tarike se karna padega. Let's say I'll make it 380.
तो प्रेस ओके, मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया ऊपर, कोई बात नहीं चलेगा, बाद में चेंज करेंगे। रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे, डिस्प्ले में जाके पंचिंग शेयर, नाउ इट इज गुड टू गो, ये पॉइंट हो गया 0.6.6 ना, इट इज गुड। आई विल गो टू डिस्प्ले, देन आई विल गो टू शो टेबल्स, डिजाइन टेबल्स में मैं ये कंक्रीट डिजाइन वाली जो है इसको चेक रखूंगा, दैट इज कंक्रीट स्लैब रिजल्ट्स के अंदर इट इज हैविंग फ्लेक्सुरल डाटा, फ्लेक्सुरल एंड शियर डाटा, प्रेस ओके। And we will have the strip forces, strip moments, we provided steels, then we have the status text, it is saying okay, that means there is no flexural failure, okay, so we are good to go, so kaam ban gaya apna, to ye do cheeze check karni hoti hai, bas apne ye kar liye, detailing karni hai, detailing kar lo, let's go to run, ek bar pehle steel dekhiye, display mein jaake show slab design, agar main is pe click karunga, mere paas ek window aayegi, the window will ask us about ki bhai kitna aapko chahiye steel, kahan pe dekhna hai aapko, main ek bar impose minimum reinforcing kar lunga, ki minimum reinforcing ka agar koi criteria to mere ko bata dena, layer a layer b dono ko ek mein click karta hu, I'll press it. Now in the background if I move on to any strip, top or bottom ka steel mujhe ye dikhayega ki top mein aapka steel hai 78, bottom mein 568. Agar aap detailing aapko iski samajh mein nahi aati safe ki, to aap khud bhi detailing kar sakte ho, it is quite simple, kyunki agar aapne slab designing kari hai to you know how to give the main reinforcement, how to give the distribution steel, aur usi distribution steel ko apan upar wale face pe copy paste kar dete hain dono direction, theek hai, do mesh hoti hai aapko dhyan se slab mein, to bottom mesh ke andar to hum log aise steel nikal denge aur baki ko sab तो आप हर जगह देख सकते हो कैसा कैसा स्टील है, हर जगह बॉटम में ज्यादा स्टील ही होगा टॉप के रिलेशन में, क्यों, क्योंकि वहां पर टेंशन आ रहा है इसलिए, ठीक है। आई विल क्लोज इट, आई विल गो टू रन एंड देन आई विल क्लिक रन डिटेलिंग, तीन ऑप्शन सेलेक्ट रखूंगा, आई विल प्रेस ओके, देन आई विल एक्सपैंड दिस ड्रॉइंग कंपोनेंट व्यूज, आई विल एक्सपैंड स्लैब व्यूज, देन इंडिविजुअल स्लैब व्यूज, देन स्लैब 1, और फिर लेट्स से मेरे को टॉप रीबार प्लान देखना है या बॉटम रीबार प्लान देखना है, क्या देखना है, लेट्स से टॉप रीबार प्लान देखना है, टॉप रीबार प्लान पे करूंगा, दिस विल बी टॉप रीबार प्लान, यहां एक कॉलम है, यहां एक कॉलम है और यहां एक कॉलम है, इस कॉलम पे लिख रखा है कि तीन बार्स हैं अराउंड 10 एमएम के, ठीक है, टीएफ मतलब आपको शेप से टीएफ शेप दिख जाएगी, उसके पास में जो दूसरा बार है वो चार बार है 10 एमएम डायगोनल, ठीक है ना, उस तरीके से सिमिलरली यहां पे जो बार है वो भी चार बार है 10 एमएम डायगोनल, इधर चार 10 के, थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, टेक्स्ट को ओवरराइट कर लेना, टेक्स्ट एक्चुअली अनलाइसेंस, ये जो लाइसेंस वाला वर्जन नहीं होता है उसमें इनको चेंज नहीं करा जा सकता, लाइसेंस वर्जन है तो यू कैन चेंज द साइजेस इजीली। बॉटम रीबार देखना है तो बॉटम रीबार पर हम क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली बॉटम रीबार थोड़ा ज्यादा होगा, तो इट इज अराउंड 6 बार ऑफ 16 एमएम डाया इधर है, इधर हमारे पास 2 बार्स ऑफ 10 एमएम डाया है, 16 के 6 के 16 है, इधर भी 6 के 16 प्लस 5 का 16 का और है, दिस विल बी कंटीन्यूअस, ठीक है, थ्रू आउट, यहां से लेके जहां से इनने एरो बता रखा ना, जैसे यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है, थ्रू आउट दैट लेंथ दैट स्टील विल बी गिवन। नाउ इफ यू वांट टू सी द प्लान ऑफ ऑल बार्स, टॉप रीबार प्लान सारे ऐसे दिखेंगे, बॉटम रीबार प्लान सारे के सारे ऐसे दिखेंगे, ठीक है, अगर सेक्शन कट लेना है तो सेक्शन 1 में आपको सेक्शन 1 मिल जाएगा, सेक्शन 2 में अगर आपको देखना है तो सेक्शन 2, ठीक है, 90 डिग्री पे आगे जाकर आपको बेंड करना है, ऑल दैट बिल ऑफ क्वांटिटीज लेट्स से जनरेट हुई है, अगर रिबार शेड्यूल में मैं जाऊं, इन रिबार शेड्यूल मेरे पास बार का मार्क दे रखा होगा, उसके साथ बार का डाया होगा, उसका शेप का एक कोड होगा जो आप यहाँ पर वाले जनरल ड्राइंग से ले सकते हो, रिबार शेप से उनकी कट लेंथ, उनके कितने नंबर्स हैं और उनके टोटल लेंथ की, ठीक है, ये आपका शेड्यूल होगा, बिल ऑफ क्वांटिटी में आपकी टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है, आपको जैसे 10 डाया के जो बार है वो आपको 93 मीटर की लेंथ के चाहिए अराउंड 0.06 टन के, ठीक है, 16 के चाहिए आपको 0.59 टन के, तो टोटल 0.65 मेट्रिक टन आपको स्टील चाहिए होगा इस फुटिंग के लिए। सो दिस इज हाउ द डिटेलिंग ऑफ यू कैन से द इररेगुलर मैट फाउंडेशन इज देयर, या सिंपल था, तुम लोग ट्राई करना और बताना मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक फुटिंग देखते हैं, है ना, कि स्ट्रक फुटिंग कैसे डिजाइन, ओके,